दोस्तों आपके अपनी चैनल A2Z Hardware World में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको गैलोनाइज या GI फिटिंग के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों गैलोनाइज फिटिंग क्या होती है। पुराने टाइम में UPVC और CPVC पाइप चला करते थे दोस्तों, उसकी जगह गैलोनाइज फिटिंग हुआ करती थी। ये एक तरह की नल फिटिंग होती है दोस्तों पुराने मकानों में। तभी जितने भी पुराने मकान है वहाँ पर GI पाइप लगाए जाते हैं, गैलोनाइज का पाइप लगाया जाता है जो है कि लोहे के मटेरियल से बना हुआ होता है। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप ये गैलोनाइज की फिटिंग देख रहे हैं, GI फिटिंग कहा जाता है। मैं इनके नाम बता दूं और जहां पर रिपेयरिंग का काम होता है, आजकल इस फिटिंग का उपयोग बहुत कम हो गया है क्योंकि आजकल UPVC CPVC पाइप का ज़्यादा चलन हो गया, वो आसानी से फिट हो जाती है। पर पुराने टाइम में ये जितने भी थ्रेड वाली फिटिंग हुआ करती थी वो यही चलेगी, मतलब पहले यही चलती थी फिटिंग। अब ये फिटिंग बहुत कम हो गई जहां पर रिपेयरिंग का काम होता है। जहां पर पुरानी फिटिंग आप पूरी या कहीं पर नल की लीकेज हो जाती है तो वहां पर फिटिंग करने के लिए रिपेयर किया जाता है। पूरी फिटिंग कोई भी नहीं बदलता है दोस्तों। तो उसकी फिटिंग के आपको नाम बता दूं। सबसे पहले दोस्तों इसे यूनियन कहा जाता है। ये यूनियन है, ये दोनों तरफ से इसमें थ्रेड आते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर भी, जहाँ पर अपने टंकी वगैरह के पाइप वगैरह लगाने होते हैं यहाँ पर एक इंच का भी कर सकते हैं आप, एक आधे की यूनियन बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं साकेट की। ये आधा इंच का साकेट कहलाता है। ये दोनों तरफ थ्रेड हैं, एक पाइप को दूसरे पाइप से कनेक्ट करने के लिए इस साकेट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अब इस निप्पल की बात कर लेते हैं। ये जो निप्पल है दोस्तों, ये मेरे पास 8 इंच की निप्पल है। ये 3 इंच से लेके तो 8 और 12 इंच तक के, यानी 1 फिट तक के आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो इसे निप्पल कहा जाता है दोस्तों। इसे तो आप पहचानते ही होंगे, ये बिल्कुल आसानी से, ये आधा इंच की टी है, ये GI की टी कहलाती है दोस्तों। इस टी का उपयोग 3 जगह 3 पॉइंट करने के लिए होता है। या तो इधर से पानी आए, इधर से दोनों तरफ पाइप लगा के यहाँ पर आप टोटी भी लगा सकते हैं नल की, या फिर इधर से इधर कनेक्शन लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों कोनी जो होती है, इसे कोनी कहा जाता है, 90 डिग्री एल्बो कहा जाता है। ये गैलोनाइज में होती है। मेरे हाथ में फिलहाल में 1.5 इंच और 1 इंच और 0.25 इंच की तीनों की गैलोनाइज निप्पल है। आप देख लीजिए, इसे GI फिटिंग कहा जाता है दोस्तों। अब हम आके आपको वॉल बता देते हैं। वॉल क्या होता है दोस्तों? ये ब्रास का वॉल है दोस्तों। ये वॉल बंद चालू करने का आपने CPVC पाइप में UPVC में भी देखा होगा, इसे वॉल कहा जाता है दोस्तों। अब उसके बाद कर लेते हैं दोस्तों होज निप्पल की। ये होज निप्पल मोटर में लगती है, मोटर के पानी में लगती है, जहाँ पर आप सेक्शन पाइप या गार्डन पाइप को चढ़ा के पानी का उपयोग कर सकते हैं। ये एक आधा पौन आधा एक बाय एक सब में आती है। ये देखिए दोस्तों, ये 1/1 की निप्पल है और ये 1/1 की निप्पल है। जहाँ पर मोटर छोटी और बड़ी होती है वहाँ पर मोटा और छोटा पाइप लग जाता है दोस्तों। और ये दोस्तों इसे भी होज निप्पल कहते हैं दोस्तों। ये 90 डिग्री वाली होज निप्पल है। ये मोटर के ऊपर लगती है, आपने अक्सर देखा होगा। मोटर के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक तरफ से पानी खींचा जाता है और दूसरी तरफ से पानी को बाहर फेंका जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह की फिटिंग है। फिर से एक बार बता देता हूँ, इसे एल्बो कहा जाता है दोस्तों। ये एल्बो हो गई, ये हो गई होज निप्पल, हो गई साकेट, हो गया टी, हो गई ये वॉल, हो गया यूनियन, हो गई दोस्तों। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।